यंग लर्नर के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधीर श्रीवास्तव आप सभी का अभिवादन करता हूं। आइए करंट अफेयर क्विज को सॉल्व करते हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर जो रणदीप गुलेरिया हैं, इनका कार्यकाल कितने महीने अथवा नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कितने महीने तक के बढ़ा दिया गया है? 3 महीने, 7 महीने या 10 महीने या 11 महीने? तो इसका सही आंसर जो होगा 3 महीने। आइए इसकी व्याख्या हम जानते हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल जो है 3 महीने अथवा जो नए डायरेक्टर की नियुक्ति होने तक के लिए बढ़ा दिया गया। वहीं इससे पहले जो है 24 मार्च को समाप्त होने वाला ये जो कार्यकाल था उसको 3 महीने के लिए और भी बढ़ाया गया था। गौरतलब आपको बता दें कि 2017 में जो है 28 मार्च को जो है गुलेरिया ने एम्स के डायरेक्टर पद पर नियुक्त हुए थे। आइए हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न ये पूछ रहा है कि केंद्र सरकार ने किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है उसका नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो पहला जो है राहुल सचदेवा या मोहन अग्निहोत्री या सचिन मल्होत्रा या दिनकर गुप्ता को। इसका सही आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर ये है दिनकर गुप्ता हुए। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए का जो है प्रमुख नियुक्त किया है। वह दिनकर गुप्ता 1987 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और वह पंजाब के डीजीपी भी रह चुके हैं। मंत्रालय द्वारा जो जारी आदेश है उसके अनुसार बताया जा रहा है गुप्ता 31 मार्च 2024 तक या जो अगला आदेश आएगा तब तक इस पद पर बने रहेंगे। आइए जो तीसरा प्रश्न है उस तीसरे प्रश्न को जानते हैं। देखिए, किस राज्य सरकार ने सर्दियों के मौसम में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 से 28 अक्टूबर 2023 तक शहर में ट्रक और भारी वाहन जो है उनके प्रवेश पर रोक लगा दी है? बिहार सरकार, झारखंड सरकार, दिल्ली सरकार या पंजाब सरकार? तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर है दिल्ली सरकार। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका सही एक्सप्लेनेशन ये है कि दिल्ली सरकार ने सर्दियों के मौसम में जो प्रदूषण बढ़ने की आशंका है उसको देखते हुए 1 अक्टूबर 2022 तक से 28 फरवरी 2023 तक शहरों में ट्रक और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं जिन वाहनों की अनुमति दी जाएगी उनमें सीएनजी वाले व्यावसायिक वाहन, ई ट्रक या आवश्यक सामान वाले ट्रक और पेट्रोलियम उत्पाद वाले टैंकर शामिल होंगे। वहीं गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में सर्दियों के दौरान होने वाला वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में सरकार ने इस फैसले को लिया है। आइए फोर्थ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, G20 की बैठक जम्मू कश्मीर में किस वर्ष होगी? 2024 में, 2023 में या 2026 में या 2025 में? तो इसका सही आंसर होगा 2023 में। G20 की जो बैठक है जम्मू कश्मीर में वो 2023 में होगी। आइए इसकी व्याख्या देख। G20 की जो बैठक है 2023 में जम्मू कश्मीर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में G20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं भारत साल 1919 में G20 की स्थापना के बाद से इसका सदस्य बना हुआ है। आपको बता दें कि G20 जिस ग्रुप ऑफ 20 को कहा जाता है उसमें यूरोपीय संघ समेत 20 देश शामिल होते हैं। आइए जो फिफ्थ क्वेश्चन है उस फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पासपोर्ट सेवा दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए, 12 मार्च को या 24 जून को या 18 मई को या 20 अप्रैल को? तो इसका सही आंसर जो होगा 24 जून। 24 जून को जो है पासपोर्ट सेवा दिवस जो है मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या हम देखते हैं। आपको बता दें, हर साल पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। वहीं यह दिन 24 जून जो है 1967 को पासपोर्ट जो अधिनियम है उस अधिनियम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस पर भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि चिप युक्त जो ई पासपोर्ट है उसके उत्पादन की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है। वहीं इससे भारतीय यात्रा की सुरक्षा को काफ़ी हद तक मजबूत करने में मदद मिलेगी और जो पासपोर्ट अधिनियम है वो भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया को वर्णन भी करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज आपने जो करंट अफेयर क्विज सॉल्व किया होगा ये आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना हो। अगर आपने अभी नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया तो जल्दी नोटिफिकेशन को ऑन करिए और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए।